हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं डेल्टा और इसका, अभी देखें आप, ये रेड, ये येलो, ये ब्लू, ये मेन कॉन्टेक्टर से आ रहा है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, U1, V1, W1 पे लगा है। अभी दूसरा डेल्टा कॉन्टेक्टर से आ रहा है, रेड, येलो, ब्लू, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। तो अभी इधर क्या है, इधर कोई U1 है, मतलब लाइन वन के लिए U1 है, तो U1 का दूसरा हिस्सा इधर है, तो ये मैंने इधर लाइन टू दे दिया, इधर लाइन वन दे दिया, तो इसका मतलब दो फेज इसको मिल चुका है। और दूसरा ये येलो आ गया V1, तो V2 इधर है, तो मैंने इधर ब्लू दे दिया, तीसरा लाइन दे दिया थ्री, लाइन थ्री, तो इसको दो फेज मिल चुके हैं, तो ये डेल्टा कनेक्ट हो चुका है। फिर इधर मैंने इसको इसको ब्लू दिया है लाइन थ्री, तो ये W1 है, तो ये W2 इधर है, इसको मैंने रेड दे दिया, तो इस तरह इसको दो फेज मिल चुका है, तो इसलिए इस तरह 380 मिल चुका है। तो ये कनेक्शन हो गया है, ये ग्राउंड हो गया है, न्यूट्रल इसमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इधर टेप लगा के छोड़ दिया है। और अब ये देखें आप, ये मेन केबल थी, मेन कॉन्टेक्टर से इधर से घुमा के मैंने इधर से दी है, और ये जो डेल्टा की थी मैंने इधर से घुमा के इधर ला के दे दी है। तो ये मोटर के टर्मिनल का कनेक्शन पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसको एकदम अच्छे से टाइट करना है, इसको लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है, लूज छोड़ा तो बाद में स्पार्क करता है ये, इसलिए सारे टर्मिनल को, ये ग्राउंड को कर दिया मैंने, ये सारे टर्मिनल अभी अच्छे से टाइट करना है। यहाँ से हम लोग इसको इस तरह पूरा सब एक एक करके बारी बारी टाइट करते जाएंगे। ये देखें आप, अच्छे से टाइट हो गए हैं सारे। अभी क्या करना है, मल्टीमीटर से एक बार फिर क्रॉस चेक करना है। मल्टीमीटर को आप बजर पर ले जाएं, सेट करें बजर पे, ताकि हमको पता चले। ये है इधर, अभी मेरा कोइल ये है, कोइल वन है, U1, तो देखें आप U2 इधर है, दोनों को दो फेज मिला हुआ है, V1 V2 इधर है, इधर ब्लू फेज थ्री लाइन मिला हुआ है, लाइन टू मिला हुआ है, तो ओके है हमारा कनेक्शन। इधर ब्लू है, लाइन थ्री है, तो इधर लाइन थ्री के लिए लाइन वन मिला हुआ है। तो इस तरह से ये मेन कॉन्टेक्टर का हो गया वायर तीनों, और ये डेल्टा का हो गया। इस तरह से हर कोइल को दो 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 वायर मिल चुका है, अभी आप देख सकते हैं, और ये हो गया। तो अब ये न्यूट्रल को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ और कवर बंद कर देता हूँ, ताकि वो कुछ ना हो। मैं मल्टीमीटर को बंद कर देता हूँ और ये बंद कर देता हूँ। दोस्तों ये फ्रेंड्स ये देखें, ये कवर पे बताया हुआ है, ये देख लें आप, ये वाई है, मतलब स्टार कनेक्शन है। देखें आप तीनों V2 U2, ये स्टार कनेक्शन है, ये V2 U2 W2, इसको शॉर्ट कर दिया है, V1 L1 L2 L3, ये स्टार कनेक्शन है मोटर का, ये है डेल्टा। अभी इसमें देखें आप, सीधा ये पत्ती जोड़ा हुआ है, हाँ इसमें हम पत्ती ऐसे जोड़ के भी इसको कर सकते हैं। मान लो इधर इधर पत्ती डाल दिया, इधर पत्ती डाल दिया, इधर पत्ती डाल दिया, तो ये केस होता है एक केबल आई, जब हमारा एक, मान लो ये मेन कॉन्टेक्टर का ही आया और दूसरा वाला ये डेल्टा से नहीं आया, तब हम लोग इधर से इधर शॉर्ट कर देंगे तो ये काम करेगा। तो अभी दो केबल है, तो इस हिसाब से हम दो केबल कनेक्ट किया, आपको जो बता चुके हैं। तो ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, ये स्टार हो गया, ये हमारी मोटर है, ये बताया हुआ इस तरह से, और ये इसका डिसकनेक्शन है मोटर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। अभी ये नट से मैं, वीडियो शायद लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पॉज करना चाहता हूँ, इसलिए ये नट खोलें, कवर करें, थोड़ा स्टॉप कर दो। इस तरह हमने ये कवर लगा लिया है, ये चारों नट कर लिया है, इसको हम टाइट कर लेंगे। इतना ज़्यादा टाइट का इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना टाइट का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मोटर रिवर्स में भी हम लोग अभी टेस्ट नहीं किया, चल गया तो मोटर को उसको चेंज करने के लिए खोलना पड़ जाता है। हालांकि हम लोग इधर ज़रूरत नहीं है, डिसकनेक्ट स्विच से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इधर से अंदर से भी कर लेता है आदमी, इसलिए इसको ज़्यादा टाइट का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का टाइट हो जाएगा बस काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया मेरा वीडियो, आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।